Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया के मर्जर से बनने वाली नई कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अगले हफ्ते यानी कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रूप में शुरू की जाएगी। आंतरिक रूप से इसे डे जीरो कहा जा रहा है। लागत कटौती यानी कि कॉस्ट कटिंग मेजर्स के साथ अब यह नई कंपनी अपने प्रॉफिट को टॉप प्रायोरिटी के रूप में देखेगी। नई कंपनी की ऑफिशियल लॉन्च के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स और टावर्स का मिलन, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कॉस्ट में कटौती, एक फ्रीज रिक्रूटमेंट और अनावश्यक कार्यालयों को बंद करना शामिल है। मर्जर से बनने वाली नई कंपनी सब्सटेंशियल कॉस्ट और नए कर्मचारियों का नाम जल्द ही उजागर किया जाएगा। चूंकि दूरसंचार क्षेत्र में नेटवर्क से संबंधित कॉस्ट सबसे अधिक होता है, इसलिए अधिकतम सहभागिता अपने अनुकूल ली जाएगी। इस एकीकरण में अचल संपत्ति के साथ साथ सभी परिचालनों का ऑप्टिमाइजेशन भी शामिल होगा। जानकारी के लिए बता दें कि जब वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ने मार्च 2017 में अपने विलय की घोषणा की थी, तो इस विलय का अनुमानित खर्च करीब 8,400 करोड़ रुपए था। फिलहाल दोनों ही कंपनियों की फाइनेंशियल कंडीशन में काफी कमी आई है। दोनों ही कंपनियों का रेवेन्यू मार्केट शेयर करीब 20% गिर चुका है। जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की पहचान नहीं होगी, उनको निश्चित रूप से कंपनी के नई एकीकरण में निकाला जा सकता है, क्योंकि दोनों कंपनियां एक कंपनी के रूप में काम करना शुरू करेगी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को आंतरिक रूप से डे जीरो के रूप में शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 430 मिलियन ग्राहक, लगभग 37% रेवेन्यू मार्केट से 60,000 करोड़ की रेवेन्यू और 1,25,000 करोड़ की कर्ज के साथ अगस्त के दूसरे हफ्ते से शुरू की जाएगी। पिछले हफ्ते डॉट की अप्रूवल प्राप्त करने के बाद अब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल द्वारा इसे भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री भारतीय एयरटेल को हटाकर बनाई जाएगी। कंपनी का ये भी कहना है कि नई कंपनी में रिक्रूटमेंट तभी होगी जब यह बिल्कुल महत्वपूर्ण हो। दोनों कंपनियों के विलय के लिए हजारों प्रत्यक्ष कर्मचारियों को हटाया गया था और वर्तमान में इनके पास करीब 15,000 कर्मचारी हैं। इस नई इकाई में प्रोमोशनल इवेंट्स को उन खर्चों में ही शामिल किया गया है जिन्हें कम किया जा सकता है, यानी कि नई कंपनी की प्रोमोशनल इवेंट्स के लिए कम से कम खर्च किए जाएंगे। दोनों कंपनियों के मर्ज से बनने वाली नई कंपनी करीब 2,50,000 टावर्स के माध्यम से हाई लेवल स्पेक्ट्रम के साथ 4G सेवाएं ग्राहकों को प्रदान करेंगी। नई इकाई ग्राहकों के लिए अट्रैक्टिव प्राइस प्लान्स और डेटा ऑफर्स अपने ब्रांड को अट्रैक्टिव और लॉस्ट मार्केट शेयर को पुनः प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को प्रदान करेगी। कंपनी की नई लोगो डिजाइन और इसके टैरिफ प्लान्स के बारे में जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।